हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जरेनिया नाम की एक क्रीम के बारे में। देखो गाइस, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अब सर्दी का टाइम चालू हो चुका है। जैसे दिवाली का टाइम खत्म होने के बाद धीरे धीरे हम वह स्वेटर का वह कई ऐसे वस्त्र का उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे हमारी स्किन पर वह ढक जाए और हमारी स्किन का किसी पर कोई ब्लैक नहीं हो। कई बार क्या होता है, जैसे हम इतने कपड़े फेरते तो यहाँ यहाँ से सब कुछ ब्लैक होता है और यहाँ यहाँ से बिल्कुल गोरा होता है। देखो गाइस, आज ऐसी क्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ जो हम सर्दी में उपयोग भी कर सकते हैं, गर्मी में भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर्दी में हम उपयोग करने वाली क्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मैंने उसका नाम बता दिया और स्किन पे आपको दिख रहा है। देखो गाइस, आप अभी के टाइम में एक ऐसी ही क्रीम यूज करने के लिए ढूंढ रहे हो जो आपकी स्किन को अच्छे तरह से मुलायम रखने में काफ़ी हद तक फायदेमंद हो सके सर्दी के टाइम में, क्योंकि सर्दी के टाइम में हमारी स्किन में रुकी झुकी हो जाती है जिससे हमारे स्किन पर वाइट वाइट जैसा होना स्टार्ट हो जाता है। वह कई बार क्या होता है, मुंह पर भी हम कई बार कोई क्रीम लगाते हैं या नहीं लगाते तो हमारी स्किन इधर से या वाइट वाइट हो जाता है या इधर से भी वाइट वाइट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। वह हम धूप में भी आते तो इधर से वाइट सब कुछ वाइट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, उसको अच्छे तरह से मुलायम कैसे रखे, हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है उसको अच्छे तरह से मेंटेन कैसे रखे, आज की उस क्रीम के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सब कुछ यूज जो जो बताया वो सब कुछ बताऊंगा, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा, क्रीम के बारे में बताऊंगा, यूज करने के बारे में आपको बताऊंगा, कब कब इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बने रहना, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। देखो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, जेनेरिक क्रीम नाम की ये क्रीम हमारी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेन रखने में फायदेमंद करता है। यह हमारी स्किन का इतना अच्छे तरह से मेंटेन रखता है कि हमारी स्किन को वाइट वाइट बिल्कुल नहीं होने देता, अच्छे तरह से मुलायम रखने में फायदेमंद करता है। क्योंकि गाइस, इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज किया गया ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी स्किन को मुलायम रखने में काफी हद तक फायदेमंद होता है। यह एक ऐसा एसिड होता है जो एक्सोफोलेट के रूप में कार्य करता है। यह हमारी स्किन के मरते कोशिका को हटाकर हमारी स्किन को नई उज्जवल बनाने में फायदेमंद करता है, ठीक है। क्रीम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज के साथ साथ अच्छे तरह से एक्सोफोलेट करके वह हमारी स्किन को अच्छी तरह से फायदेमंद पहुंचाता है। हमारी स्किन को चिकना बनाने के साथ साथ हमारी स्किन को मुलायम बनाने में काफी हद तक फायदेमंद करता है। मतलब कोई निशान पड़ जाता तो उसको भरने में काफी हद तक फायदेमंद होता है, ठीक है। और यह हमारी स्किन के पैरों वेरों पर सब हम इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस क्रीम में एक ऐसी बात है कि गाइस, मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे जोए के लोशन या कई ऐसे आते हैं, ठीक है ना, जैसे कई लोशन भी आते हैं, लेकिन गाइस ये एक ऐसी क्रीम है जो हम इसको स्किन पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम वे गले वाले में कहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते, हाथ पैरों कोहनी में कहाँ पर भी यूज कर। ऐसा क्या होता है गाइस, देखो मैं आपको बताता हूँ, कई बार कोहनी बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, इस तो आप इसको कोहनी पर भी यूज कर सकते हो, ये से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो मैंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में इसके बारे में बता दिया कि ये कैसी क्या क्रीम है। देखो इसमें आपको बताता हूँ उनको यूज कर सकता है। देखो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इसको 18 प्लस के बाद कोई भी यूज कर सकता है। देखो गाइस, लोग होते हैं ना, वो भी इस क्रीम को यूज कर सकते हो, ये से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने, जो कोई भी यूज कर सकते हो, ये सी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी इस क्रीम से नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल यूज करा, कोई भी केमिकल इतना अच्छा मतलब हार्मफुल यूज नहीं किया गया जो आपकी स्किन और ज़्यादा खराब करेगा, अच्छे तरह से मुलायम रखने में फायदेमंद कर। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इस क्रीम को मैं खुद परचेस करके इसका यूज करके आपको मैं बताऊँ, और सोच रहा हूँ जैसे ये दिवाली का टाइम खत्म होने के बाद मैं इसको परचेस करूँगा और आपको बताऊँगा इसका रिव्यू, इसका अच्छा बताऊँगा कि यह सच में हमारी स्किन अच्छे तरह से मेंटेन रहा है या नहीं रहा है, ठीक है ना। बाकी मेरे को जितना बताना, सबसे ज़्यादा कई ऐसे जो लोशन आते हैं ना उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेन के साथ साथ कोमल बनाने में फायदेमंद करता है, ठीक है गाइस। इसके बारे में बता दिया, बात करता हूँ उसका यूज करने का सही तरीका। देखो गाइस, आप इसको दिन में 3 बार भी यूज कर सकते हो, 2 बार भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप बाहर जाते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, नाइट में सोते समय यूज कर सकते हो, काफ़ी टाइम तक नाइट में लगा रहेगा तो आपकी स्किन के लिए ही बेस्ट होगा, लेकिन आपकी स्किन अच्छे तरह से मुलायम बनी रहेगी इस क्रीम से गाइस, ठीक है। मैंने इसके बारे में बता दिया, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।